सो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने बात की थी 12th के सिलेबस के फर्स्ट लेक्चर की, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था और बताया था कि चार्ज क्या होता है, थेल्स की थ्योरी क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन थ्योरी क्या है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा, चार्ज के अलावा हम बात करने वाले हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या हमारे पास में। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, सो मैं आपको कल की क्लास में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे काम करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है। देखिए, चार्ज की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 2, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर 5, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, लेकिन इन सभी प्रॉपर्टीज में जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारे पास में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम पहले बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, देखिए, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहने वाला है वो हमेशा रहेगा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस के एनी। ये किसी भी बॉडी के ऊपर आने वाला चार्ज है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अच्छा, अब यहां ये जो स्मॉल e आपको दिख रहा है, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और ये जो n आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस n को हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास में है वो इस n को लेकर ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक n हमेशा एक इंटीजर रहेगा, ऑलवेज इंटीजर रहेगा, हमेशा n हमारा एक इंटीजर रहना है। कभी पॉइंट में नहीं होगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n हमेशा एक इंटीजर होगा, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, -2, -1, 0, 1, 2, यानी हमेशा n की वैल्यू एक इंटीजर रहेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगी, हमेशा एक पूरा नंबर रहेगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी कभी भी हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.2e। 1.2e होने का मतलब है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर यार डेसिमल में कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए हमेशा ये एक पूरा नंबर रहने वाला है। ये इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कॉन्सेप्ट है, बड़े लेवल पर कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डीप लेवल पर, कि भाई ये चार्ज आता किस तरीके से है। देखिए, जैसा कि कल की क्लास में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये बॉडी ए है हमारे पास में, ये बॉडी बी है हमारे पास में। मैंने दोनों बॉडीज को आपस में रबिंग कराया। अब जैसे ही मैंने दोनों बॉडीज को आपस में रबिंग कराया, इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी पर ट्रांसफर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले गए। जैसा कि कल की क्लास में आपके सामने डिस्कस किया गया था कि जिस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं, तो इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा प्लस 2e पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिमूव आउट हो गए हैं और दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसीलिए 2e। और इस बॉडी पर चार्ज आएगा q इज इक्वल टू माइनस के 2e। इस बॉडी पर चार्ज आएगा q इज इक्वल टू माइनस के 2e, क्योंकि वहां दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं। तो जिस बॉडी के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज आने वाला है। ओके, चलिए, जैसे कि अगर मैं कंडीशन आपके सामने लिखूं, मैंने कहा कि भाई हमारे पास में एक बॉडी है ए, अनदर बॉडी बी, ये दूसरी बॉडी है हमारे पास में। ठीक है, यहां से
कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मैंने माना कि यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसीलिए कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? n इलेक्ट्रॉन निकले हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा e। तो इस बॉडी पर चार्ज आ गया है प्लस एन ई और इस बॉडी पर चार्ज आ गया है माइनस के एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, एन हमारा उस बात को रिप्रेजेंट करने वाला है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं आपके सामने ऑलरेडी बता चुका हूं, एन हमेशा एक इंटीजर रहेगा, डेसिमल या फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं सीधा इसके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स की, इसके ऊपर जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसकी बात करते हैं। अब जैसा कि हम लोगों से पहली प्रॉब्लम पूछी गई है, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3×10⁻¹ कूलम्ब। देखिए आंसर किस तरीके से हम लोग इसका बनाने वाले हैं। ये हमारे पास में एक पॉलिथीन का पीस है, ये हमारे पास में अ पीस ऑफ वूल। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में रबिंग कराया, उसने कहा कि रबिंग कराने से पॉलिथीन के ऊपर इतना चार्ज आ गया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो बिल्कुल सिमिलरली इतना ही चार्ज वूल के ऊपर पॉजिटिव आया होगा। सबसे पहला पॉइंट है, हाइड पॉइंट है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अगर पॉलिथीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है तो बिल्कुल इतना ही चार्ज वूल के ऊपर पॉजिटिव आया होगा। यह रबिंग या फ्रिक्शन मेथड की सबसे खास बात होती है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए नंबर टू पॉइंट ये है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही आप इन दोनों को रबिंग कराओगे आपस में, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो इसने पूछा है फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होंगे पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है, अगर पॉलिथीन पर नेगेटिव है वूल के ऊपर पक्का पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। देखिए क्वांटाइजेशन जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो ऑलरेडी गिवन है 3×10⁻¹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6×10⁻¹⁹। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में कैलकुलेट कर अपना आंसर निकालिए और आंसर निकालने के बाद में कमेंट में आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड में हम लोगों ने बता दिया है कि फर्स्ट में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहां हमने बता दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास में क्या आता है बच्चों, देखिए इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। अगर वूल से पॉलिथीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास जरूर होता है। जब यहां से कुछ क्वांटिटी निकलकर यहां चली गई, बड़ा कॉमन सा काम है, फिजिक्स से हटकर थोड़ा सा सोचिए, अगर कोई क्वांटिटी यहां से यहां चली गई तो यहां से कोई क्वांटिटी निकल जाने की वजह से वूल का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा और इसका जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव चार्ज आने से मास इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज आने से मास डिक्रीज होता है। हम देखना चाहते हैं कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, एन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम। जब आप यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेंगे तो बस आपका काम इतना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पुट करके कैलकुलेट करना है, पता चल जाएगा कि वूल से पॉलिथीन की तरफ कितना मास ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में NCERT की फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमने आपको बताया किस पर कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, कितने ट्रांसफर होंगे, मास कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग आते हैं,
नेक्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। बात हो रही है वन कप ऑफ वाटर की, वन कप ऑफ वाटर, वन कप ऑफ वाटर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वन कप ऑफ वाटर का मतलब 250 ग्राम से होता है, टू कप 500, थ्री कप 750, फोर कप 1000। एक कप का मतलब 250 ग्राम से है स्टूडेंट, आप ध्यान रखेगा। दूसरी बात हम ये बताते हैं आपको कि पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। जनरली हम जानते हैं कि वाटर एक न्यूट्रल कंटेंट है, न्यूट्रल यानी देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज एंड नो नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, बाहर से देखने से ये लग रहा है कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में जो भी न्यूट्रल कंटेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट यह है कि उसके अंदर सेम अमाउंट में होता है पॉजिटिव और बिल्कुल सेम अमाउंट में होता है नेगेटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और उस चार्ज को कैलकुलेट करने का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, वो क्या है आप जानेंगे जरा। देखिए हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर किसी तरीके से हम नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर दें, वाटर के कितने एटम हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, और इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमने क्या किया, कैपिटल एन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ एटम इंटू जेड में। देखिए नंबर ऑफ एटम को कैसे लिखा जा सकता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू जेड इंटू ई। आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कंटेंट दिया गया है तो उस कंटेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। इलेवेंथ क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, दिस इज द नंबर ऑफ मोल। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एटम के नंबर या मॉलिक्यूल का नंबर निकल जाएगा। जेड यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब सीधा इस प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। देखिए जब प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट बनेगा मास 250, वाटर के लिए कैपिटल एम 18, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, पानी के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखिए ये तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि स्मॉल एम की जगह हमने 250 रख दिया है। पानी की बात हो रही है, HHO, हाइड्रोजन के लिए मास नंबर एक, मास नंबर एक, ऑक्सीजन के लिए 16, कलेक्टिवली हो गया है 18, तो कैपिटल एम की जगह आ गया 18। जेड की अगर हम बात करें तो HHO, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कुल मिलाकर हमारे पास में हो गया है 10, जेड की वैल्यू हो गई है 10, वैल्यू पुट करेंगे आंसर बन जाएगा। आगे से ध्यान रखेगा, किसी भी कंटेंट के अंदर चार्ज निकालने का ये हमारे पास में तरीका है। दो तीन एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पैसा कॉइन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है, एंड वेट दिस। अ पैसा कॉइन, जो कॉइन हमें दिया गया है उसका वेट है स्टूडेंट, उसका मास है 0.75 ग्राम। इट हैज अ स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर। देखिए डायगोनल आपको दिया गया है 17 मिलीमीटर, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए गिवन भी है यहां पर, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, कंटेंट आपको दिया है, उसका मास आपको दिया है, बात हो रही है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय की। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम बनानी है। सो ये आपके पास में फॉर्मूला है स्टूडेंट, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल जस्ट अभी बताया है, डायगोनल इतना है, स्मॉल एम, मास कैपिटल एम, एटॉमिक वेट एंड नॉट जेड इनटू ई। ठीक है, आपको एक काम करना है, यहां पर कॉपर मेंशन करके चलना है,
कॉपर, ठीक है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का डेटा आपको यूज में नहीं लेकर आना है, आपको डेटा यूज में लेकर आना है कॉपर के लिए। कॉपर का एटॉमिक वेट रखेंगे, मास आपको गिवन दे रखा है, एन नॉट आपको पता है। देखिए कॉपर के एक एटम में जेड कितना होता है, यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है वो आपको यहाँ रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रखना है, कैलकुलेट करेंगे आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।